अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो एल्लारिगू नन्न नमस्कार अबळु जय भीम जय भीम जय जय भीम कई के वास्ते जय भीम बोले तो आज अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखो रहते आज ना तुम्हें वहां बैठ सकते थे ना हमें जय भीम जय भीम जय जय भीम देश पे तशरीफ फरमाए मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब जनाब फिरोज सेठ साहब बगबोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर MLC चंद्रा साहब डैस पे तशरीफ फरमाए तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार या तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज हम लोग किस वजह से हम लोग इधर जमा हुए फिरोज सेठ साहब ने भी बात की आसिफ सेठ साहब ने बात किए जब्बर भाई ने भी बात किया मकसद देखिए हमारा सबका मकसद क्या है जो आने वाला 7 तारीख का चुनाव के अंदर मुसलमान तो नो डाउट कांग्रेस को इस बार करने का तय किया मगर हम परसेंटेज बढ़ाने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। अब देख लो कांग्रेस पार्टी का इतिहास निकाल को देखो कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव आको है 70 साल का तुम्हें इतिहास निकाल को देखो कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव आको है आवाम के बीच में जाको अगर वोटा मांगने गए तो प्रोग्राम बता वोट पूछ गई सिर्फ हिंदू मुसलमान घर को हमारे में नफरत था कि लका को दाल को वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश करी कि उनके प्रोग्राम से नहीं ना क्या भी 15 लाख जैसा बोले 15 लाख अकाउंट में डालता हूँ 15 पैसे नहीं डाले 1,40,00,000 की हमारी आबादी टोटली जीरो सिर्फ हिंदू मुसलमान घर को चलाने को अब तक उन्होंने इलेक्शन कर ले को जारी। अब मेरे ख्याल से हमारे चंद्रा जना ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ BJP ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಜಂಗುಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೀವಿ BJP ಅವರು ಯಾವತ್ತನ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾರ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಅವ್ರದು ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಚಂದ್ರಾಜು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬರೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಲೀಸ್ಗಳು ಕೂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಮಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮೇ ಬೋಲ್ ಗೋ ಹೇ ಜಾತ್ ಪಾತ್ ಕರೋ नफरत आगे करो बोल को है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस्लाम ये धर्म सिखा को समना ये सिखा को समना हमारा जात पात कभी मालूम ही नहीं हमना जात पात करना आता भी नहीं हमना हमारा इस्लाम धर्म ना सिखा को भी नहीं है जैसा कि अब 2023 का जो हाल ही के अंदर जो चुनाव हुआ तुम्हें वो चुनाव के अंदर देख ही देगा हमारे जैसा कि हमारे इलेक्शन के अंदर 5 गारंटी हमें अनाउंस करे थे 5 गारंटी अनाउंस करे क्या क्या वो 5 गारंटियां घर घर 2000 देती 10 किलो चावल देती प्लस 200 यूनिट करंट फ्री देती प्लस बस के अंदर हमारे माँ बहना काम भी कर्नाटक के अंदर फ्री जा सकती प्लस डिप्लोमा होल्डर्स को बच्चों को 3,000 रुपये देती कर अनाउंस करे उसके ऊपर कर्नाटक के अंदर आवाम भरोसा करके उन्होंने हमना 130 पर 4 सीट कांग्रेस को जीता कर ले कोई हमारी हुकूमत बनी जैसा हमारी हुकूमत बनी अपोजिशन पार्टियों ने क्या बोले ये गारंटियां इम्प्लीमेंट करने होता नहीं वजह उसकी ये गारंटी इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 50 पर 4,000 करोड़ होती है ये खाली भाषण के सिलेक्शन के अंदर ये गारंटी इम्प्लीमेंट करने होता नहीं करके विरोध पक्ष वाले अपोजिशन वाले पार्टियों वाले बोले जैसा हमारी हुकूमत बनी सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के 1 महीने के अंदर भी हमारे 5 गारंटी हमें लागू करे कि नहीं करे अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कवरेज अनाउंस कर कोई 5 गारंटी अनाउंस करी उसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सी हमें जो 2,000 रुपए घर को कई के वास्ते ये बात बोल रहा हूँ हमारा चंद्रराज को आने के साथ पूछे अना सब जना कड़मे कंट आत्मिया कम दिख रही ना गया मैं यहाँ जो बैठी ना एक एक आदमी जो मुतली बैठे ना जो जिम्मेदार आपको है ना ये पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर मोर देन 3 लाख के ऊपर जो वोट आई हमारे ये पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर बेल्लाम पार्लियामेंट के अंदर 3 लाख के ऊपर वोट आई वो 3 लाख के आदमी के वोट दिलाने वाले ये ताकत है बैठी सो गए कूती कड़मे जनसंख्या कड़मे कंता
इवर शक्ति को मुत्तोलीज एला जिम्मेदार इला लक्ष ऐन नम मतदार अलपसंख्यल आ वोट्स हाँ नम कई शक्ति आसिफ सेठ तव शक्ति फिरोज सेठ तव शक्ति जब्बार साहब शक्ति शक्ति हाँ हमारे पास ताकत है हमें आ जा रही भाषण कर रही क्या करती बेंगलुरु को चल जाती कहाँ जाती बेंगलुरु को जाती करने वाले कौन इलेक्शन है तुम्हें लोग करने वाले इलेक्शन है उसी वजह से तुम्हारे से गाजी जाना गुजारिश करते हुए जैसा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से हमारी हुकूमत है तो सेंट्रल के अंदर कर को एक राहुल गांधी क्या करें पांच गारंटी के अंदर इम्पोर्टेंट ये गारंटी हर जो हजार कर्नाटक में हमें 2000 जो दे रही घर घर को 2000 रुपए दे रही हमारी सेंट्रल के अंदर हुकूमत है तो 1 लाख रुपए देने का फैसला करें कितना सालाना 1 लाख का तो कितना होगा महीने को 8,500 रुपए 8,500 एक 2,000 हमारे का स्टेट गवर्नमेंट के 10,500 रुपए 10,500 एक घर को मिले तो ये गरीब को कितना आसानी होती 10,500 मिल को 10 किलो चावल मिल को करंट फ्री मिल को बस पे फ्री एजुकेटेड जो बच्चे हैं उनको हमें 3,000 दे दें सेंट्रल के अंदर हमारी हुकूमत आई तो उनको भी 1 लाख रुपए दे दें घर को हमारे 5 गारंटी राहुल गांधी अनाउंस कर गए। उसके साथ में किसान का कर्जा माफ किसान का जितना भी है किसान का कर्जा माफ इन्हें मैं वही बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जब जब इलेक्शन आको है अवाम के बीच में जाको है हमारे प्रोग्राम बता को हमें लोग वोटा पूछती है हमें बहरहाल हमारा 2023 के अंदर ये गारंटी अनाउंस करे हुकूमत है 2023 से पहले यहाँ अपना अमन सुकून था क्या मैं पूछना चाहता हूँ तुमना अमन सुकून था बीजेपी हुकूमत थी 4 साल बीजेपी को कोलिशन गवर्नमेंट कुमार स्वामी 1.5 साल के वास्ते कुमार स्वामी हुकूमत थे कोलिशन गवर्नमेंट थी जब हमारा सपोर्ट होते हुए जब हमें सुकून में थे कोलिशन गवर्नमेंट कैसा जाको बीजेपी की हुकूमत थी 4 साल जो है हमारा अमन सुकून था क्या मैं तुमने लोगों को पूछना चाहता हूँ क्या करे पहले हिजाब का मसला ले गए हलाल कट का मसला ले गए लाउड स्पीकर का मसला ले गए जो कांग्रेस के अंदर 90-4 के अंदर जो हमारा रिजर्वेशन दिए थे मुसलमानों का वो जाते जाते रिजर्वेशन भी ले को चले गए बरोबर की नहीं और सुकून से तुम नींद करते थे सुकून था हमना अभी हमारी हुकूमत हमें यहाँ जब्बार भाई जैसा बोले हमें सब कुछ करेंगे को बोलता नहीं मगर काम की एक जगह कांग्रेस के अंदर अमन सुकून से तो हमें नींद कर रही हमने रिक्स देने वाला कौन रिक्स देने वाला अल्लाह मगर हमने होना सो क्या यहाँ हमने अमन सुकून वो कांग्रेस पार्टी के अंदर तुमने अमन सुकून मिल रहा है कि नहीं करके तुमने लोग पूछना चाहता हूँ। उसके साथ साथ में इस बार कर्नाटका के अंदर 130 पर 6 सीट आने की वजह क्या है कर्नाटका के तमाम मुसलमान इन्हों परेशान करने की वजह से तमाम कर्नाटक के मुसलमान एक होकर कांग्रेस को देना करके डिसाइड करके कर्नाटका के अंदर इस बार कांग्रेस को वोट दिए पिछली बार क्या करे थे वोट ना जरा डिवाइड होते थे जनता दल को जाको ये नहीं के दूसरी कौम दी पूरी कौम सब मिल को दी मगर 100% वोट कौन दिए सो मुसलमान भाई 100% देने की वजह से आज कांग्रेस की हुकूमत यहाँ आगे है नहीं तो क्या होता था डिवाइड होकर पहले के जैसा डिवाइड होकर रहता तो जनता दल के जो 19 सीट आई है उन 40-50 को रीच होते थे। कुमार स्वामी क्या करता था कांग्रेस के साथ आता था उन्हें कहाँ जाता था बोलो जनता दल के साथ बीजेपी के साथ जाता था फिर हम नामन सुकून मिलता था। मैं इसके पहले बोला कुमार स्वामी को 24 घंटे के अंदर कुमार स्वामी को मैं 16 घंटे नजदीक से देखा पूरे उसके ये देख लिया मैं फितने ये क्या बोलते उसके फितने देख लिया उसके पूरे ये देख लिया मैं मगर एक चीज देखना भूल गया क्या वो एक चीज देखना भूल गया पैंट के अंदर खाकी चड्डी है कि नहीं करो बोलो देखना भूल गया करो बल्ला की बार बोलिया आज उन्हें खुद साबित कर दिया कि है ಚಂದ್ರಾ ಜನ ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ 24 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಇದ್ದೇನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಏನೇನಂತ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಒಲು ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಒಲು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ವಿದ್ಯೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅವನೇ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಜಾಗು ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ಬಾತ್ ಕರೆದು ತುಂಬಿ ಲೋಗ ಅಚ್ಚಿ ತರ ಸೇ जानती मेरे से तो मेरी आवाम से ये गाजी जाना गुजारी कांग्रेस की हुकूमत थी जैसा कि 5 गारंटी हम बोले 6वीं गारंटी हमें कभी नहीं बोले थे 6वीं गारंटी हमें अनाउंस नहीं करे थे अल्लाह मियाँ हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मंजे हाउसिंग मिनिस्टर बनने के बाद मेरे नॉलेज को आया कि 1,80,250 पड़ती ना 3 घर जो सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर सैंक्शन करे थे उसके बाद ना ये घर सैंक्शन करी ना ये घर देखो हिंग को मंजे नॉलेज में आने के बाद पूरा माहिती लिया
लेने के बाद क्या होगा, 1,80,250 प्रतिदिन घर को कम से कम बेनिफिशियरी एक घर बनना को तो 7.5 लाख रुपए होता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना अगर को 1.5 लाख रुपए देती तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या करती है 1,20,000 देती है, SC ST रहता तो 2 लाख देती, एवरेज डाल ले तो हमें 1.5 लाख एवरेज, 1.5 लाख का एवरेज होता, 1.5 लाख तो 4.5 लाख में 7.5 लाख के अंदर 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 1.5 लाख डाले तो बचते कहते 4.5 लाख रुपए बचती। 4.5 लाख रुपए कौन देना था, जो बेनिफिशियरी जो घर बनती ना बेनिफिशियरी देना, गरीब कहां से देता, अगर बेनिफिशियरी पेमेंट टोटल जो है 1,80,000 चिल्लर घर को 7,400 करोड़ रुपए, बेनिफिशियरी पेमेंट 10 साल से कितना देखो ये खाली 310 करोड़ रुपए देखो ये, कौन 5,000 देखो है, कौन 10,000 देखो है, कौन 15,000 देखो है, कौन 20,000 देखो है, उसके ऊपर कौन भी दे नहीं सकता ना दिया था, उसकी वजह से क्या होगा घर अनकम्प्लीट बनकर बैठे थे। ये घर का 7.5 लाख रुपए की हो रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख दे रही है, सामने से पीछे से क्या कर रही बोलो, 18% गरीबों को GST डाल को 1,30,000 वापस ले रही, मुंदे को मन 1 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर नाम क्या बोलो, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम मुंदेवरे 1 लाख को सब्सिडी बड़ोर मन कटक 1 लाख को 18% GST आगे 1,38,000 वापस तक, उसकी वजह से 7.5 लाख हो रहा। जब मई मिनिस्टर बनने के बाद हमारे सिद्धरामय्या साहब को कैसा बोलना, सिद्धरामय्या साहब कैसे मानेंगे कि के 5 गारंटी के 55 करोड़ होते हैं, अब ये गरीबों को घर बन को देना अगर बोलेगा तो 7,400 करोड़ होती है, 7,400 करोड़ मामूली अमाउंट नहीं बड़ा अमाउंट हो, ये कैसा सिद्धरामय्या मानते कि नहीं मानते करो, सिद्धरामय्या साहब की जाकर नॉलेज मिल गया, साहब ऐसा तुम्हारे पीरियड के अंदर ये घर सैंक्शन हुए थे, उसके बाद ना ये घर सैंक्शन हुआ ना ये घर दे सके, वजह इसके घर ना देने की वजह से कहते बेनिफिशियरी 4.5 लाख रुपए देना, बेनिफिशियरी दे नहीं सकते, ये हमें गवर्नमेंट से देखो बेनिफिशियरों को घर बन को देना, उन्हों बेघर ही उन्हों हमारे से उम्मीद रख ले कि इधर को सिद्धरामय्या को बोलने के साथ मान ले को सिद्धरामय्या ये मेरी जवाबदारी 7,400 करोड़ भी मैं देता हूँ, एक साल के अंदर 1,80,250 घर तू बन को देना करको, कैबिनेट में ले लगा को जनवरी में कैबिनेट में ले लगा को 500 करोड़ अप्रूव करको, फर्स्ट हंत गति पहला हंत दिए, पहला हंत 500 करोड़ रुपए दिए, तो उस 500 करोड़ देने के बाद हमें क्या करे 30 पर 6,780 करोड़ घर 10 साल के बाद पहले गरीबों को फ्री में दिया गया है, कि वो नहीं दिया कुमार स्वामी दे सकते थे ना, बीजेपी की हुकूमत थी ना बीजेपी वाले दे सकते थे ना, येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री था, बसवराज बोम्मई 2 साल था, उन्होंने दे सकते थे, दिए नहीं उन्होंने, गरीबों के ऊपर चाहत नहीं है, गरीबों के ऊपर मोहब्बत नहीं है, खाली उन्होंने क्या हिंदू मुसलमान, ना उनको हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों को प्यार है, खाली उनको प्यार है क्या बोलो, पावर से और कुर्सी से उनको प्यार है, सो ये जानते हुए मेरी आवाम को 2023 के अंदर मुसलमान एक होने की वजह से कांग्रेस में हुकूमत देकर को इसके पहले बताया, अगर मुसलमान डिवाइड होते तो दो जनता दल वाले 30-40 हजार लेते थे, हमारी हुकूमत नहीं बनती थी, हम बहुत से आदमी में क्या है हमें वोट डाले वन साइड होकर वोट डाले हमें, हम ना क्या फायदा मेहनत करको मेहनत उठा को लाइन में खड़को वोट डाले करको, बहुत से आदमी का कहना ही है क्या फायदा करको, तुम ना इंडिविजुअल फायदा नहीं पहुंचाएगा, कौन को यह फायदा पहुंच रहा, जो तुम्हें मेहनत तुम्हें जाको खड़को लाइन में खड़को मेहनत करको जो वोट डाले तुम ना फायदा नहीं हारेगा, हमारी होम कूद का फायदा पहुंच रहा, ये हमें बजट में अनाउंस करे थे, सिद्धरामय्या जी आप चीफ मिनिस्टर थे, आसिफ शेख साहब भी 2013 के अंदर सिद्धरामय्या साहब के बीच के अंदर MLA होकर काम करी, सो शायद मिनिस्टर बनना था साहब वो, किस वजह से बहुत सीनियर हमारे से, मेरे से भी सीनियर लीडर मेरे से भी बड़े, एक्चुअल 2013 में सिद्धरामय्या के पीरियड में शेख साहब मिनिस्टर बनना था, क्या की वजह से बने नहीं वो अल्लाह में तकदीर लिखना का तो ना अल्लाह में कौन कितना कर लिया, तभी मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर है खुदा चाहता कहते ना, तकदीर लिखने वाला अल्लाह, हर एक की अरमान थी कि शेख साहब होना अगर को वो ही नहीं, वो टाइम में गवर्नमेंट में थे जब सिद्धरामय्या जब चीफ मिनिस्टर बने उस टाइम वो माइनॉरिटी ग्रांट कितना था 400 करोड़ रुपए ग्रांट था, 60 साल में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए कौन भी चीफ मिनिस्टर आया तो क्या करता माइनॉरिटी ग्रांट को सालाना क्या करता 30 करोड़ 40 करोड़ बड़ा को वो 400 करोड़ तक ले लगा को गए, यानी 50 करोड़ के ऊपर कौन भी चीफ मिनिस्टर बड़ा को नहीं है सालाना जो माइनॉरिटी का बजट होता, तो सिद्धरामय्या जैसा चीफ मिनिस्टर बन को है पहली बार, अब 400 का कितना करना यानी 100 करोड़ बढ़ाना, डबल करे कितना होता 800 करोड़ होता, तो 3 गुना करे कितना होता 1,200 करोड़ होता, वो मई का लाल मोहब्बत मुसलमान की चाहत रखने की वजह से सिद्धरामय्या साहब 3,150 करोड़ रुपए दिए,
कितने दिए 3,150 करोड़, 400 करोड़ किधर, 3,150 करोड़ किधर, कई को ये बात सब बोल रहा हूं। तुम्हें जिम्मेदार आवाम को समझाना, तो कांग्रेस से क्या फायदा है, अगर कुछ समझाने के वास्ते कांग्रेस से फुर्सत में पूछती, कई को कांग्रेस को वोट डालना हम ना क्या फायदा, तो ये कांग्रेस को आवाम को समझाने के वास्ते ये सब खुलासे से मैं बोल रहा हूं। सुनना, 3,150 करोड़ दिए, बाद में हुकूमत चलेगी, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मिनिस्टर बन गया था, हमना मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी का बजट कम कर रही को इमीडिएट में जबरदा को बोल को नसीर साहब मई रिजवान हारिस तनवीर से पूरे मिल को क्या करे, चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब के पास गए, साहब ये बहुत मुश्किल से हमारा ग्रांट सिद्धरा साहब देखो इनसो मेहरबानी से हमारा ग्रांट क्या सुनने आया, तुम्हें क्या कि कम कर रही करो, मेहरबानी से तुम्हें ग्रांट कम करना नहीं, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कम नहीं करना करो, जाको हमें पूरे लीडर जाको पूछ ले, नहीं नहीं करता अगर को बोल को बजट का दिन मालूम पड़ेगा क्या, बजट का दिन बुक देखे तो हमारा जो ग्रांट था 3,150 करोड़ 1,800 करोड़ करको 1,350 करोड़ कम कर दिया। अब रास्ता कौन दिखाए सो, बीजेपी वाले को कौन दिखा रास्ता, कुमार स्वामी रास्ता दिखाते, बाद में येडियुरप्पा की हुकूमत आई बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बोला 3,150 करोड़ का ग्रांट, लास्ट को जाकर कितना होगा 800 करोड़ को आपको ठहर गया था, कितने को पूरे हमारे स्कॉलरशिप रद्द कर दले, पूरे हमारे स्कीम रद्द कर दले, जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया ऐसा पहली बार चीफ मिनिस्टर में पहले बजट के अंदर ही 3,200 करोड़ रुपए दिए, अब इंशाल्लाह अगले साल के अंदर 5,000 करोड़ देते हुए तो सिद्धरामैया वादा करी, यानी बोलने का मतलब जी स्कीम को से जो हमारा ये स्कीम हमें अनाउंस नहीं करते इलेक्शन के अंदर, ये कई को जो वोट डाली उसके बदले में तुम्हारी मेहनत जाया हुआ है, नहीं करो ये बोल रहा भाई तुमना जो जो वोट अंदर को कांग्रेस को जीती तुम्हारी मेहनत जाया हो को नहीं है, इसका में 60 साल से देने का देते, एक वीं क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक क्या करते थे बच्चों को, गरीब बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में पूरे स्टेट को स्कॉलरशिप दे लगाते थे, बीजेपी वाले क्या करे पिछले साल क्या करे वो स्कॉलरशिप क्या करे रद्द कर दले, कई के वजह से तालीम के अंदर इन्होंने आगे बढ़ रही, तालीम के अंदर इनको रोकना करो बोल को वो सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने वो स्कॉलरशिप चालू कर को हमें एकवीं क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक वो स्कॉलरशिप चालू करे, 4,40,000 बच्चों को 80 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया, हमें 80 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिए, उसके बाद बच्चे हमारा एमबीबीएस बच्चे की एक स्कीम सिद्धरामैया की गवर्नमेंट में थी, जब सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे जब एमबीबीएस की फीस जो थी 5,00,000 रुपए फीस थी, ये बार क्या करे हमारी सब रद्द कर देते, हमारी हुकूमत आने के बाद हमें क्या करे अब वो जो फीस है ना, अब मेडिकल सीट लेना तो तुम्हारा लोगों को मालूम है, आज एक मेडिकल सीट लेना तो कम से कम डोनेशन जो है 1 करोड़ होता, गरीब कहां से 1 करोड़ रुपए ले लगा था, और जो बच्चे मेरिट में जो सीटी में पास होकर जो सीट मिलती ना उनको क्या करती डोनेशन नहीं लगता, सीट मिलती मगर फीस मिनिमम बनना पड़ता, अब वो फीस जो है 11,00,000 रुपए फीस है सालाना, वो 5 साल का कोर्स होता, 5 साल का कोर्स को तो कितना होगा 55,00,000 रुपए होगा, अब गरीब आदमी 55,00,000 रुपए कहां से लेता है, मिडिल क्लास वाला ऑटो चलाने वाला कुली मजदूरी करने वाला, वो बच्चे 55,00,000 नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, हमारे बच्चे एक बार ड्रॉप आउट नहीं होना करको ये साल में लागू करको 1,270 प्रति बच्चे को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 5 लाख बनकर हमें डॉक्टर बना रही, 5 लाख बच्चे को तुम्हें देखेगा कर्नाटका के अंदर हज कैंप देखेगा, तुम्हें हज कैंप देखो ही कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी सॉरी कर्नाटका करो बेंगलुरु सिटी का हज कैंप देखी, कौन कौन हज कैंप देखी जरा हाथ उठो, बेंगलुरु सिटी का कैसा है, कैसा हज कैंप है, वो जगह कौन दिया सो कांग्रेस हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब जगह दिए, वो बने कौन हज कैंप 110 करोड़ रुपए देखो बनने वाले भी सिद्धरामैया, आज कितना बेहतरीन बनी वो हज कैंप, उसे क्या करते थे हमें हज का कब होता सीजन है? साल में एक बार होता वो, फिर ये खाली एक महीने के वास्ते, साल में एक बार एक महीने के वास्ते 150 बेडेड की वो 5 स्टार होटल के सर का रूमा देखेगा तुम्हें लोग कौन कौन स्टे हुए थे मुझे मालूम इसके अंदर 5 स्टार के होटल से थे कौन स्टे हो गए थे इसके अंदर तुम्हें हुए थे जब कैसे रूमा कैसे 5 स्टार होटल सर का ना सेंट्रल एसी 5 स्टार होटल सर का है, अब वो चीज बेकार जारी ना करके हमें क्या करे साल में एक बार हज का होता 11 महीने बंद पड़ता, वो बंद नहीं पड़ना उसे यूज करना करो बोल को तेदात कम हो जरी जाते 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 धीरे धीरे जगह में आईपीएस ऑफिस की तेदात कम हो जा रही आईएएस की कम हो जा रही केएस की तेदात कम हो रही, ये बढ़ाना करके बोल को हमें क्या करे ट्रेनिंग कैंप डाल को ट्रेनिंग दे ले को ही वहां 400 बच्चे ट्रेनिंग का शुरू करी 400 बच्चे का शुरू करी बाहर अपराध को बच्चे पढ़ने जाती थी ना उसके बदले में बोल उसे कांग्रेस पार्टी करी करके बोलने का मतलब में ड्राइवर बनकर नहीं बनना मालिक बनना उन्हें भी करके क्या करे एक नवी स्कीम ले लगा को 8.5 लाख रुपए की गाड़ी उन्हें जो पसंद करता उसकी गाड़ी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 3 लाख रुपए फ्री देती है हमें बैंक से लोन करको ये बार 960 जनों को ड्राइवर जो थे मालिक बना रही है सर यानी ये सब भरोसा किसकी वजह से हुकूमत आने की वजह से ना आज हुकूमत आने की वजह से तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारी
मेहरबानी करके हमारे में क्या है, लापरवाही है। हमें कहीं को वोट डालना, वोट डाल को हमने क्या मिलता, हमें वोट कहीं को वत्ती मेहनत करके डालना करको वो जहीन में रहा। आज का माहौल तुम्हें जानते नहीं का, एक छोटी सी मिसाल दे तो, दो मिसाल आई तुम्हारे सामने, बेलगाम के सामने दो मिसाल आई। 2019 के अंदर क्या करे बेंगलुरु सिटी के, बेंगलुरु के अंदर एक ही सीट पार्लियामेंट कर्नाटका के अंदर एक एमपी की टिकट दिए थे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अर्शद रिजवान को वो 2019 में टिकट दिए थे। मुसलमाना की आबादी आपको 5 लाख की आबादी है सो, कहाँ सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी चामराज पेटल का भी उसके अंदर जाता है, कितने वोट आए सो 5 से 5.5 लाख का मुसलमाना की वोट आई, क्रिश्चन आके 1.5 लाख वोट आई, टोटल 7 लाख वोटा, 7 लाख वोटा ही सो। वहां क्या होगा, परसेंटेज नहीं होने की वजह से खाली 47% खाली 70,000 वोट से अर्शद रिजवान आ रहे, कितने वोट से 70,000 खाली 47% हुआ। अगर 10% भी बनकर रहता तो आज अर्शद रिजवान 1 लाख से लीड से जीत को आज एमपी पार्लियामेंट में एमपी जाकर बैठता था, यानी हमारे हाथ में परसेंटेज कम। वो छोड़कर तुम्हारी बेलगाम की छोटी सी मिसाल, सतीश जाड़की वाले बई इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन के अंदर मैं भी आपको कैनवासिंग करके गया, बाई इलेक्शन से सतीश जाड़की वाले कितने परसेंट, कितने वोटा से आ रहे सो, ये बार कितने वोटा से आ रहे सो, 4,700, कितने 4,700। हमारे मुसलमान के कितने वोटाई सो, 3 लाख चिल्लर वोटाई, कितने ही ये पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 3 लाख वोटाई। सतीश जाड़की वाले कितने वोटा से आ रहे सो, खाली 4,900 वोटा। मैं पूरा डाटा निकाल को चेक कर, मुसलमाना का परसेंटेज क्या होगा, खाली 60.2% हुआ। अगर मुसलमाना का परसेंट 6% भी बढ़कर रहता तो सतीश जाड़की वाले 50,000 लीड से जीतता था, यानी ये लापरवाही की वजह से ना आज उन्होंने जीत कर रहते तो एक एमपी तो कम होता ना, धीरे धीरे खत्म करना था सो, एक एमपी वो जीत सकता था ना, अगर मुसलमाना वोट डाल कर रहते तो वो एक सीट हमें जीत सकते थे, यानी परसेंटेज ना होने की वजह से सतीश का भी हारना पड़ा। नोडिबो चंद्रा जो वो सतीश और सोतु 4,700 वोटल अंतर सोत नानेन एल डाटा तरस नोड़े, नम मुसलमान समाज इसकोट्रो बेरे समाज इसकोट्रो एल डाटा तरस नोड़े, नान मुसलमान समाज में एवरेज हाँ एल कड़े 62% मेले को 62% को सती इन 7% जास्ती मे 50,000 और एम पी आगे बै एलेक्षन ता वो दुबारा ये गलती तुम्हें कर ले नानी करो मेरे भाई से जिम्मेदार से आए हुए तमाम मुतलिया से मेरी आजीजाना गुजारिश। आज देश की हालत तुम्हें जानती, आज देश किस तरीके से गुजरा, आज किसे टारगेट कर रही, आज किसे किसके ऊपर ये कर रही, दुश्मन आगे कर रही तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानता। अब इंसान क्या होता बीमारी के अंदर, हार्ट अटैक को तो क्या होता आदमी को मालूम हो जाता, हार्ट अटैक तो मुझे हार्ट अटैक की तो डावे हाथ में दर्द आता, चले तो लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होता, उन्हें जाकर क्या करता हॉस्पिटल में दिखा लेता, चेक करा लेता, उसका ट्रीटमेंट चलता, स्टेंट डालते कि बाईपास करते कि बच जाता उन्हें। शुगर भी आया तो क्या होता मालूम होता, शुगर पेशेंट को सुस्ता गया थी, पसीना आता, डॉक्टर के पास जाकर चक्कर आते उसमें मालूम होता कि इन्हें शुगर पेशेंट कर को। बीपी का भी रहा तो क्या होता मालूम हो जाता, चक्कर आने के जैसा होता, रहते रहते गिर जाती, बीपी का भी लो बीपी रहते हाई बीपी रहते मालूम हो जाता, बुखार है तो भी मालूम होता, हर एक बीमारी को इंडिकेशन को मालूम होता, मगर एक बीमारी मालूम नहीं होती, कौन सी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी, कैंसर की और से सुनना है बोल रहा हूं मतलब कैंसर की बीमारी मालूम होती नहीं, क्या रहता फर्स्ट स्टेज में रहा तो पार हो जाती, दूसरे स्टेज में नॉट ए डेंजर, पहला स्टेज नॉट डेंजर, दूसरा स्टेज नॉट डेंजर, तीसरा स्टेज अगर क्या होता बचना मुश्किल हो जाता, उन्हें बचना मुश्किल हो जाता। बोलने का मतलब क्या है, दो टर्म बीजेपी वाले जीत नहीं, ये तीसरे टाइम जीते तो कैंसर पेशेंट मरना जरूरी, मगर उन्होंने मरते नहीं हम ना सब मारते हो, अर्थ आयता चंद्रा जो ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಐ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎದೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೈ ನೋವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೋ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು, ಶುಗರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾಸು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಉಳ್ಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ಸತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಮಜಿತುಮೆ ಏನೇ ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೈ ಸರ್ಕಾರ ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೈ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಸೇ ಮೇರಿ ಅವಾಮ್ ಸೇ ಏಕ ಆಜೀಜಾನಾ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಯೇ ಬುಲಾನೆ ಕಾ ಮೈ ಕೈ ಕೋ ಜದ್ದೋಜಹದ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಮೈ ಕೈ ಕೋ ಇತ್ನಾ ಭಾಗಾ ನಾಟಿ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಆ ಸಿಯಾಸತ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹೂಂ
अंदर में जानता हूँ सियासत के अंदर क्या हो रहा, क्योंकि तो अल्लाह के पास जाको हशर के मैदान में मैं भी जवाब देना पड़ता। भाई तुझे सियासत में एक मौका दिया था, एटलीस्ट तो आवाम को बुला को तो अलर्ट कर सकता था, आवाम को बताया नहीं ना करिया नहीं ना, आवाम के बीच में जाको बताया नहीं, करको सब हशर के मैदान में मेरी पकड़ होती, करको मैं दिन रात एक तक दिन रात फिर लगो कहीं के वास्ते आने वाले दिनों के अंदर क्या हो रहा क्या होने वाला है मैं खुलासे से बता नहीं सकता। दीवार आगे भी काना रहती है, तुम्हें अकलमंद ना इशारा काफी, तुम ना अकलमंद को इशारा काफी, अंदर क्या चल रहा मालूम, उनको एक ही चेक रास्ता। आज हमें 100% आज मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे तरफ से मेरी तरफ से तमाम हमारे सबसे पहले मैं उलमा इकराम की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमें जितना काम करें उससे 4 फुट गुना आज उलमा इकराम का करें, घरा घर जाना घरा घर कई के वास्ते कई की फिक्र उनको उलमा इकराम को, आपको कई को फिक्र हजरत, कई को घरा घर जामात के साथ यहाँ जा रही, हर आदमी जा रहा घरा घर जा रहा है ना, मदले मदले बारी हिस्ट्री दली ना राजकारणी जास्ती हगल रात्रि दुड़ो नम गुरु एला मसीदी मसीदी हर मने मने हे बारी कांग्रेस मत आंत ऐन कई गुजारी उन्हों कई गुजारी। आज मेरी आवाम से एक आजीजा ना गुजारी, मेहरबानी कर को तुम्हें लोग परसेंटेज वोट बढ़ाना। आज ये हमारी लक्ष्मी अंबारकर मेरी बहन कम अज कम मुझे एक महीने से मुझे पीछे रखो, जमीर अहमद खान साहब तुम्हें एक बार आको, तुम्हें गोका को भी बेलगाम में एक प्रोग्राम रखो, तुम्हें आको चले गए तो मुसलमान वन से ही वोट डालते करके उनकी उम्मीद कई का कई की बोला मैं आको चेहरा दिखा के आज बस के दे मैं आको तुम चेहरा दिखा जो मैं बोले अम्मा मैं आको चेहरा दिखा कई समझ नहीं वो तुम्हारा वो क्या कि अल्लाह मियां दाल दले उसी मोह के वो सही भी मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई सियासती लीडर को जो चाहत नहीं मिली जो तुम्हें लोग जमीर अहमद खान को दे कोई सौ वजह क्या है कान की एक जगह तुम्हें लोग एक उम्मीद रख ले कोई जमीर अहमद खान हमारे कौम को कुछ करता कर को जो तुम्हें उम्मीद रख ले कोई आज वादा करते हुए जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता। अब लक्ष्मी अब्बा पर एक भरोसे में बोले गोका कुक जाका है गोका के अंदर आदमियां कभी निकले नहीं सकते कभी बाहर नहीं आते सकते गोका को गया तो इतना मेरा दिल खुशियों को बाग बाग होगा पूरी शादी माल भर को पूरे आदमी रोड में बाहर उतने आदमी आ गए गोका पे इन्हें बाहर आको मेरी चाहत के ऊपर इन सो आज भी तुम्हें लोग जो जिम्मेदार आई तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। आज एक लक्ष्मी अहबार कर मेरी बहन एक उम्मीद के अंदर मुझे यहाँ बुला को मुसलमाना जमीर अहमद खान आको गए तो जब्बार साहब आको गए तो इन्हों सब मिलकर एक हो को वोट डालती परसेंटेज बढ़ाती करके उम्मीद से बुलाई तुम्हें क्या तुम्हें पहले क्या था डब्बे थे गुम्बे गोइंदा कौन कितने वोट डाली किसे मालूम रहता अब बाकायदा मिशना आ गई कौन कौन कितने वोट डाली मालूम हो जाता मुसलमाना में कितने डाले लिंगायत में कितने डाले कुर्बा में कितने डाले एस सी एस टी में कितने डाले। अब मुझे इतनी चाहत मेरी बहन इतनी भरोसे में मुझे बुला को तुम्हें लोग वन साइड वोट करके 20% बढ़ा दल क्या करती है ये लक्ष्मी अहबार क्या करती है राहुल गांधी को भी सिद्धरामैया डी के शिवकुमार को क्या करती है जाको जमीर अहमद खान साहब आको 3 जगह आधा आधा घंटा भाषण करे सो पूरे मुसलमान वन साइड वोट डालेगा तो जमीर अहमद खान को तुम्हें ताकत भर सका तुम्हें क्या तुम्हें कंसर्स करे तो वो चीज उन लक्ष्मी अहबार कर मेरी बहन जा क्या बोलती है इला मैं बहुत उम्मीद से जमीर अहमद खान को बोले मुसलमान वहां का वांच करेगा तो तुम्हारे बच्चे जमीर अहमद खान को तुम्हें खत्म करेगा मेरा नहीं है ये इलेक्शन जो है लक्ष्मी अब्बर का इलेक्शन नहीं चंद्रराज का इलेक्शन नहीं फैरोज शेठ साहब का इलेक्शन नहीं आसिफ शेठ का इलेक्शन नहीं है जब्बार साहब का भी नहीं सिद्धरामैया साहब का भी नहीं डी के शिवकुमार साहब का भी नहीं ये इलेक्शन जो है देश बचाओ इलेक्शन देश बचाओ इलेक्शन ये इलेक्शन किसका बोलो ये तुम्हारा मेरा इलेक्शन नहीं है ये इलेक्शन खासकर ये इलेक्शन जो है ये देश बचाओ इलेक्शन है मेहरबानी करके मेरे जिम्मेदारा से काशी जरा गुजारी परसेंटेज परसेंटेज तुम्हें अगर चाह ले तुम्हें करे परसेंटेज अगर 90% आगा तो कौन भी मई का लाल या जीतने से रोक नहीं सकता। मिसाल एक दे तुम्हें तुम ना एक तमिलनाडु की एक मिसाल एक बिहार की मिसाल देखो मेरी बात खत्म कर दो बिहार के अंदर ऐसा माहौल था हम ना कान की एक जगह लगता था 40 के अंदर बिहार के अंदर कम से कम इंडिया लाइन जो है 25 सीट जीतती करको हमने एक भरोसा था बिहार का इलेक्शन हुआ वहाँ 4 की 5 की 6 सीटों का इलेक्शन हुआ सब वहाँ कितने जबरदस्त हुआ सब बिहार में छह जगह इलेक्शन हुआ परसेंटेज कितना बोलो 40.8% कितना परसेंटेज है 40% मुसलमान का कितना परसेंटेज चेक करे सो 30.8% उसके अंदर वो 6 के अंदर हमें एक भी जितना मुश्किल है वहाँ वजह क्या है परसेंटेज हमारे लोगों का कम होगा वो तमिलनाडु के अंदर कितना परसेंटेज हुआ 79.62% कितना 79% अब सर्वे के अंदर किसका दिखा रहा 30.9 के 30.9 भी इंडिया लेंस वहां निकाल को तुम्हें डाटा निकाल को देखो मुसलमान एरिया के अंदर 90% हो गए 90.2% हो गए 90% के ऊपर सब जगह
तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु केरला के, केरला भी जाके अभी वहां जो शिस्त है सो मेरे ख्याल से वो कर्नाटका के अंदर आगा तो कर्नाटका कानकी चल जाती है हमारे में, हमारे में शिस्त नहीं है यार, वहाँ शिस्त सिस्टम चंद्रराज होगी ना, तमिलनाडु होगी ना, केरला होगी अल्ल हे शिस्त अंदर नहीं बस 95% पोल मे नम्बर एस्टो ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 95% ಪೋಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 78% ಆಗಿದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ 70% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 39 ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈಸಾ ಉಸ್ ವಜೆ ಮೇರಿ ಅವಾಮ್ ಸೆ ಜಿಮ್ಮೇದಾರ ಸೆ ಆಜಿ ಜನ ಗುಜಾರಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಕರ್ಕೋ ಯೇ ಮಂಜೆ ಕ್ಯಾ ಲೇನಾ ದನಾ ಯೇ ಮಂಜೆ ಕ್ಯಾ ಫೈದಾ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೈ ಕೈ ಗುಜಾ ಕೋ ಪ್ರಚಾರ ಕರೋ ಮೈ ಕೈ ಗುಜಾ ಕೋ ವೋಟ್ ಹಾಕರೋ ಬೋಲ್ ಗೋ ತುಮೆ ಲೋಗಾ ಜರಾ ಲಾಪರ್ವಾಹಿ ಕರೆ ತೋ बहुत बड़ी हम ना नुकसान हमारा होता सो. अब 14 फर्स्ट फेज के अंदर 14 जगह इलेक्शन हुआ मुझे शफी अहमद गर्ग को एक MLA टुमकुर के नाम सुने नहीं आते हुए टुमकुर की शफी अहमद गर्ग को उन्होंने भी दो टाइम MLA थे उनका जब वही रफी अहमद गर्ग को 2013 से सेठ साहब के साथ ही था उन्हें 2013 से 18 तक सेठ साहब के फैरो सेठ साहब के साथ ही था MLA हो गए थे उन्होंने सवेरे मैं भी जबरदस्त जाते हुए शफी साहब फोन करे साहब मैं पूरा डाटा निकाल को पूरा स्टडी करे साहब मैं भी सियासत में आकूंगा 85 साल अब मैं भी सियासत में आको कम से कम 60 साल के ऊपर हो रहा साहब दो बार मैं MLA बना था साहब हमारे आदमी जो परसेंटेज करे साहब जिंदगी के भी देखा नहीं तुम्हें लिखो रखने साहब हमें हमारे आदमी का परसेंटेज जो मामूली करना करी ये बार कम से कम 50,000 रुपये परसेंटेज ज्यादा हो गए साहब हम ना जीतने से कौन भी रोक नहीं सकता कर बोलिए. अब 14 का इलेक्शन हुआ सब जगह परसेंटेज जो है ना पूरी जगह तुम्हें टुमकुर को ले लियो मंड्या ले लियो चामराजनगर ले लियो मैसूर ले लियो वो तरफ सराउंडिंग में कनकपुरा ले लियो ग्रामांतरा ले लियो पूरी जगह सेंट्रल में खाली सिटी का सिटी में क्या है वोटा का जरा परसेंटेज नहीं बढ़ने की वजह क्या है सिटी के अंदर क्या है कि मुसलमान नहीं रहते बाहर कहाँ की जाको रहती दूसरी जगह उनका वोटर कार्ड रहता महीने महीने शिफ्ट हो जाती नो भाड़े के घर चल जाती कहाँ की जाको रहती खासकर सिटी में प्रॉब्लम सिटी में पूरा 60% के ऊपर परसेंटेज दिया बाहर पूरा जो है ना कम से कम 85-90% हुआ मंजे अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है 11-14 के अंदर कम से कम फर्स्ट फेज के अंदर हमें 11 सीटें जीतती जो नरेंद्र मोदी जो उम्मीद रख लेते इस बार 400 पार इस बार 200 भी पार देते अल्लाह का कब तक कर करता क्या बोला कब तक कर को जी क्या बोला क्या भाई अल्लाह में चुप बैठा अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं कर को अब वो डेस्परेट होकर क्या कर रहे बोलो मुसलमानों को हटा नको वो बोले थे मैं क्या करती हूँ मीडिया में ज्यादा जाकर नको ये गुजर जन दे ये किसके बच्चे ज्यादा ही क्या क्या है पूरा जो है ना ये पूरा इलेक्शन 4 तारीख के बाद जून 4 तारीख के बाद उनका भंडार खोलेंगे कहते अब नको अब बात करें तो क्या होता भाई उसको अलग वो सोशल मीडिया बहुत डेंजर है उसको अलग कान के लेके चले थे जमीर ऐसा बात करा जमीर वैसा बात किया वो कितना बड़ा इशू हुआ देखे तुम असेंबली के अंदर मई क्या क्या बोला कौन की इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हैदराबाद के अंदर हैदराबाद इलेक्शन तेलंगाना इलेक्शन को मई जब्बारदार साहब कहते नसीर साहब थे नासिर हुसैन साहब थे सब थे कौन की इंटेलेक्चुअल मीटिंग के अंदर उठ को क्या बोलिया साहब हमें सब मुसलमान कांग्रेस को वोट देते सो कांग्रेस वाले पावर में है तो बरबर का हम हाथ देते नहीं बोलिया अब मेरा बात करने टाइम स्पीच के अंदर बोलना ना उनको साहब तुम ना क्या की गलत फैमिली है कर्नाटका का मिसाल में देता हूँ कर्नाटका के अंदर हम ना 17 सीटें दिए थे 17 के अंदर 9 जने हमें जीत गई 9 जने के अंदर 3 जने को मिनिस्टर बना गई मंजे मिनिस्टर बना कोई रहीम खान को सॉरी 2 जने को मिनिस्टर बनी मंजे भी रहीम खान को मिनिस्टर बनी हमारे इनको नसीर नसीर साहब को आज तक कौन भी CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया था उनको CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने सलीम साहब को काउंसिल में चीफ विप बना कोई आज तक कर्नाटका के इतिहास के अंदर मुसलमान को कौन भी स्पीकर नहीं बना था ऐसा पोजिशन हम ना कांग्रेस पार्टी देखो सुनो थालिया बाद में अभी बोला जैसे थालिया बाद सुनो कांग्रेस पार्टी हमने ऐसा मुकाम एक देखो है आज तक कौन भी कर्नाटका के अंदर इतिहास में हिस्ट्री में नहीं देखो थे हमारे UT खादर साहब को आज कर्नाटका का स्पीकर बना को है आज स्पीकर की पोजीशन कैसा मतलब है मेरे साथ साथ में BJP वाले भी नमस्कार सार करा गए अयो यो मेरे ऊपर पड़े मैं बोला गलत क्या बोले हमें अब वो पोजिशन कांग्रेस पार्टी देखो अगर बोलियो हमें असेंबली के अंदर कौन कौन की बात करने गए बहुत से जने चंद लीडर आए मैं उन्होंने भी BJP वाले हैं साहब क्या की होगा सो होगा तुम्हें मेहरबानी करके क्या भी नहीं असेंबली के अंदर मैं बोले सो गलत मुझे माफ करोगे मैं पठान का बच्चा जिंदगी में अल्लाह की सो माफी मांगेगा सवाल इतने बेटा जो होता देता करो आखिरी में मई फेस कर ले को उनका मुंह बंद कराने लगाया मई फेस करके बंद कराने लगाया यानी बोल रू सो मैं तुम ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने फायदे ये देखते हुए
ये ज़हन में रखते हुए तमाम से गाजीजाना गुजारिश करते हुए ये बार परसेंटेज बढ़ना आज हमारा इलेक्शन में बोले आइए। ये देश बचो इलेक्शन, संविधान बचो इलेक्शन, ये क्या तो भी इन आगे इन ओपन बोल कोई ना। अनंत कुमार हेगड़े जो यूनियन मिनिस्टर था, ओपन बोल को स्टेटमेंट देखो, मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर स्टेटमेंट देता हमें बीजेपी वाले अहिंसक पावर इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर हमें संविधान चेंज करने है। संविधान चेंज करते हमारी हालत क्या, मैं इसके वास्ते बोला सो जय भीम कई के वास्ते बोलना, अल्लाह और रसूल के बाद हमें यहाँ बैठे शान से जीरेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर की तरफ से। अगर संविधान देखो नहीं रहते तो आज हमें कौन में नहीं बैठने देते थे, आज के जो माहौल के हिसाब से हम ना जीना हराम कर देते थे। आज बच्चिंग को बोल को हम ना संविधान की वजह से हमें लगा बच को ही, ये ख्याल में रखते हुए मेहरबानी कर को परसेंटेज बढ़ाना, परसेंटेज बढ़ाना। और ये वफ के भी तमाम जिम्मेदार को ही, वफ के अंदर भी मई जब्बार साहब हमारे चेयरमैन साहब को मैं वोज बोल ले कुछ जो सब वफ आदमी कहीं को करता, वफ आदमी की करता बोलो, वफ कहीं को करता, ये भी वफ की प्रॉपर्टी, आदमी वफ कहीं को करता, हमारे कौम को फायदा पहुंचे थे घर को, उनके भी रिश्तेदार आती, माँ की तरफ के रिश्तेदार आती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार आ रहती, वो होते हुए भी वफ कहीं करती हमारी कौम को क्या था फायदा पहुंचे थे घर को, ले को तुम्हें खाली छोड़ को रखना नहीं कर को। तो मई अनवर दास सब बात कर ली, अगर करंट हमें वफ की प्रॉपर्टी करंट एक एम्बुलेंस देना अगर डिसाइड करियो, वो एम्बुलेंस कैसी मामूली एम्बुलेंस नहीं है, तुम्हें लगे थे ना 8 लाख 10 लाख की, अपना डिस्काउंट के पास जाको 30 पर 8 लाख रुपए पड़ती वो गाड़ी, उसके अंदर आईसीयू पूरा सिस्टम वेंटिलेटर आईसीयू, अब इमरजेंसी जाना हो तो वो एम्बुलेंस ले कोई, वो एम्बुलेंस लेने के वास्ते कितने कितने करोड़, 12 करोड़ के हुए सो 15 करोड़ रुपए हुए। तो हम ना उनके मैनेजर आको मंजे जब मैं भी हमारे चेयरमैन साहब बैठे थे, साहब हो गया साहब 15 करोड़ का सैंक्शन होगा तुम्हारा, इसका हम ना कन्फर्मेशन लेटर आपको है, वो तुम्हारा काम की क्या पहुँचाना, काम पहुँचाना आके मैंने क्या पहुँचाता था इसका वॉकबोर्ड का क्या की कहते क्या बोलो पीछे से, मैं बोले रखो भाव सब ना कही वॉकबोर्ड का ही है, वॉकबोर्ड का है हमारी होम का ही है, एक काम कर ना वो जो भी हमने देना ना हमना 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा देकर को 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लेको पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एक गाड़ी, अब इंशाल्लाह ये इलेक्शन आने की वजह से रोक दले, इलेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट को दे रही है। और फ्रीजर पूरे तालुका को, फ्रीजर क्या है किसकी तो मौत होगी तो ज्यादा वक्त रखना को तो क्या होता बहुत तकलीफ होती, फ्रीजर नहीं रहता तो पूरे एक तालुका को शुरू करिए, एक एक तालुका को भी एक फ्रीजर देना कर को। और हमारी सबसे ज्यादा ये हिजाब का मसला आने के बाद हमारे हमारे जब्बार साहब सबसे ज्यादा फिकर, हमारे हमारे बड़े भी हमारे लीडर सबसे ज्यादा मुझे कहाँ गए तभी वो क्या तभी करो फाइनेंस क्लियर करा लियो, क्लियर करा करो घर को। जब से हिजाब का मसला को जो हमना जो तकलीफ हो को जो खून के आंसुओं में रोई आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं है, उसके वास्ते हमारे बच्चे की हमें हिफाजत कर लेना घर को। हमारा एक अमाउंट आया को सही इंटरेस्ट अमाउंट को बोलती वो बोर्ड के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट 25 करोड़ रुपये आया हो, अब हमें क्या करें डिसाइड करके पैसे काम भी यूज नहीं करना, एजुकेशन को यूज करना करको, 10 कॉलेज लेडीज कॉलेज ये करको आइडेंटिफाई करको, अब वो इंशाल्लाह इलेक्शन जैसा होता वो लेडीज कॉलेज शुरू करको, इन हिजाब भी कर लेते कौन था क्या कर लेते इनको नहीं इनको अल्लाह का आराधना अबूत करता रहो जी इन्होंने कितना दिन करको इतने दिन करके सफर है क्या बोला अल्लाह करके खाई ना वो। और हर एक को अबूत समझ में आ रहा, हर एक को हर आदमी को अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा इन्हों बीजेपी क्या कर को हमारे भाइयों को जरा समझ में आ रहा। ये कहते हुए मैं अल्लाह का वास्ता तू ना अल्लाह का वास्ता दे दिना के अंदर माहौल खराब है ऐसा तुम्हें लापरवाही कर ले को बैठे नको, एक एक वोट भी हमना इंपॉर्टेंट, एक वोट से हार भी हो सकती एक वोट से जीत भी हो सकती तुम्हारे क्या बोला। और कौन तो भी एक वोट नहीं डाल को लापरवाही से घर से बैठगा तो वो बाकायदा बीजेपी को 2 वोट का फायदा होता हो उन्हें समझ ले लेगा मंजे क्या वोट डाले नहीं डाले तो वो सीधा सीधा जाकर बीजेपी को डाल तो उसे 2 वोट का भी फायदा करके देती तुम्हें सीधा सीधा जाकर बीजेपी को डाल नहीं बीजेपी को तो डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता छोड़ो वो बोल लेना सो। ये कहते हुए तमाम ये इलेक्शन जमीर अहमद खान का नहीं किसका भी इलेक्शन नहीं ये इलेक्शन संविधान बचो देश बचो इलेक्शन ये कहते हुए आखिरी में दुआ की दरख्वास्त करते हुए हर एक आदमी क्या है मेरे से परेशान यथाचता है क्या क्या करको निकल जाता लड़ता जिंदा अगर हर आदमी परेशान तो नजर नजर से पत्थर भी पिघलता कि नहीं पिघलता पिघलता कि नहीं एक हो को तुम्हें लगा पता हो तुम्हें कौन सभा से मैदान में लग जाती करको सही बोलना कि पूरे जिम्मेदार आइए सभा से मेरे खातिर लोजने मेहनत लगने लगना और ये तुमने ये पठान का वादा तुम्हारी मेहनत जाया होने देता नहीं तुम ना नहीं दिया तभी 4 गरीबों को मदद करको खौम को वादा कर तुम्हें तुम्हारी मेहनत जाया होने देता नहीं। ये कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।